हमारे प्रिय छात्रगण और हमारे दोस्तों, जैसा कि आप नोट्स लिख रहे हैं, जेपीएससी पीटी पेपर 2 झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित एक चैप्टर है झारखंड के आदिवासी। जहां तक आपने अभी तक 32 में 30 जनजातियों के महत्वपूर्ण पॉइंट्स, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, इस सारी बातों को आपने उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखा है। उस 32 में हम 30 जनजातियों का जिक्र कर चुके हैं और उस जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने नोट भी किया है। छात्रगण, उसी कड़ी में 2 शेष जनजाति का जिक्र करना बाकी है और जो 2 शेष बाकी हैं उनमें नाम आता है बथुड़ी और बिरजिया। छात्रगण, आज हम शेष बचे हुए 2 जनजातियों का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इस जनजाति के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन हैं। छात्रगण, आपका हेडिंग होगा बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति, बथुड़ी जनजाति। देखिए इसका पहला पॉइंट, बथुड़ी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बथुड़ी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, जनजाति है। जिसे या जो स्वयं को, जो स्वयं को, जो स्वयं को बाहुबली या बाहुतुली, जो स्वयं को बाहुबली या बाहुतुली कहते हैं, जो स्वयं को बाहुबली या बाहुतुली कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बांह से या बाहुओं से, अच्छा बोला गया, जिसका अर्थ होता है बाहुओं से तौलने वाला, जिसका अर्थ होता है बाहुओं से या बाजुओं से तौलने वाला, अर्थात क्षत्रिय। जिसका अर्थ होता है बाहुओं से तौलने वाला, अर्थात क्षत्रिय। यद्यपि इस जनजाति को भुइयां का पूर्वज माना जाता है, यद्यपि इस जनजाति को भुइयां का पूर्वज माना जाता है, जो द्रविड़ समूह से संबंधित है, जो द्रविड़ समूह से संबंधित है। जो झारखंड में मुख्यतः, जो झारखंड में मुख्यतः सिंहभूम एवं ढाल भूमि की पहाड़ी, जो झारखंड में मुख्यतः सिंहभूम और ढाल भूमि की पहाड़ियों पर निवास करती है, निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट, बथुड़ी जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है और इनकी नातेदारी व्यवस्था
हिंदुओं के समान है और इनकी नातेदारी व्यवस्था हिंदुओं के समान है। जहां विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है आयोजित विवाह है। नेक्स्ट पॉइंट, बथुरी जनजाति के लोग नृत्य और संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं। बथुरी जनजाति के लोग नृत्य और संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं। यह जनजाति 5 गोत्रों में विभक्त हैं, 5 गोत्रों में विभक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके गांव का प्रमुख प्रधान कहलाता है। और इस जनजाति का मुख्य पेशा कृषि कार्य वन उत्पाद का संग्रह और मजदूरी करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनजाति के लोग ग्राम देवता को सर्वोपरि मानते हैं। जबकि गांव के पुजारी को दिहुरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समान रूप से बथुरी जनजाति का निवास स्वर्णरेखा नदी के किनारे किनारे नदी किनारे पहाड़ी श्रृंखलाओं में है, हिल रेंज पहाड़ी श्रृंखलाओं में है। समान रूप से बथुरी जनजाति का निवास स्वर्णरेखा नदी के पहाड़ी श्रृंखलाओं में है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे पहाड़ी श्रृंखलाओं में है। और छात्रगण, आदिवासी का लास्ट पॉइंट लिखिए, बिरिजिया जनजाति।
देखिए इसमें ब्रिजिया झारखंड की एक आदिम, ब्रिजिया झारखंड की एक आदिम जनजाति, एक आदिम जनजाति है और यह सदान समूह की और यह सदान समुदाय की एक आदिम जनजाति है और अच्छा लिखिए और इसे सदान समुदाय की और इसे सदान समुदाय की आदिम जनजाति के रूप में रखते हैं जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जिसे प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में रखा जाता है। उसी में ब्रिजिया का शाब्दिक अर्थ जंगल का मछली होता है। ब्रिजिया का शाब्दिक अर्थ जंगल का मछली होता है। उसी में इस जनजाति का मुख्य जमाव लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिजिया जनजाति अपने को पुंडरिक नाग एक नागवंश है, पुंडरिक नाग का वंशज मानते हैं ब्रिज जनजाति को पुंडरिक नाग का या अपने को पुंडरिक नाग के वंशज मानते हैं। यद्यपि ब्रिजिया को असुर जनजाति का असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है नेक्स्ट पॉइंट, अन्य जनजातियों की तरह इनका समाज परिवार अन्य जनजातियों की तरह बथुड़ी जनजाति का समाज परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है। अन्य जनजातियों की तरह बथुड़ी जनजाति का समाज परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है जो दो वर्गों में विभाजित है।
जिसे सिंदूरिया ब्रिजिया, जिसे सिंदूरिया ब्रिजिया, जिसे सिंदूरिया ब्रिजिया और तेलिया ब्रिजिया, जिसे सिंदूरिया ब्रिजिया और तेलिया ब्रिजिया कहते हैं। कहते हैं उसे लिखिएगा, विवाह के दौरान सिंदूरिया द्वारा सिंदूर का तथा तिलिया द्वारा तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तिलिया ब्रिजिया, अर्थात तेलिया वर्ग को पुनः दूध ब्रिजिया और रास ब्रिजिया, पुनः तेलिया वर्ग को दूध ब्रिजिया और रास ब्रिजिया उपवर्गों में विभाजित करते हैं। जिसमें से दूध ब्रिजिया गाय का दूध पीते हैं, और मांस नहीं खाते हैं जबकि रास ब्रिजिया दूध पीने के साथ साथ मांस का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समाज में बहु विवाह का प्रचलन है। यहां सुबह के खाना को लुकमा लुकमा और दोपहर के भोजन को बियारी के नाम से जाना जाता है, जबकि रात के खाने को कलेबा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिजिया जनजाति के प्रमुख त्योहारों में सरहुल सोहराय, आषाढ़ पूजा, कर्मा
कर्मा, फगुआ इत्यादि है, इत्यादि है, फगुआ इत्यादि है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिजिया जनजाति का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। ब्रिजिया जनजाति का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। और ये अस्थांतरणशील या झूम कृषि भी करते हैं, और ये अस्थांतरणशील या झूम कृषि भी करते हैं, झूम कृषि भी करते हैं। जिनके प्रमुख देवता सिंह बोंगा मतलब सूर्य देवता, और मरांग बुरु है। जिनके प्रमुख देवता सिंह बोंगा और मरांग बुरु हैं, मरांग गुरु है। तो छात्रगण, जेपीएससी पीटी पेपर 2 में आपका सिलेबस लिखा हुआ है झारखंड आंदोलन, और मैंने बताया था चैप्टर लिखा हुआ झारखंड आंदोलन, और उसके तहत सिलेबस लिखी हुई है झारखंड के सदान, झारखंड के 32 जनजाति, झारखंड राज्य के निर्माण का आंदोलन चरण, झारखंड में हुए विद्रोह और झारखंड में हुए स्वतंत्रता आंदोलन भारत के संदर्भ में। ये आपके 5 टॉपिक इस झारखंड आंदोलन के तहत पढ़नी है। उसमें से उस 5 में झारखंड के सदान को हम अच्छी तरह से आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाए हैं नोट्स और बताए हैं कि सदान क्या है। नंबर 2, झारखंड के आदिवासी के बारे में लिखाए हैं, आपको पढ़ाए हैं कि आदिवासी किसे कहते हैं, किस आर्टिकल के तहत कौन आदिवासी होगा, इसका निर्णय राष्ट्रपति उसे अधिसूचित करते हैं। मैंने यही बताया है कि झारखंड जब निर्माण हुआ था उसमें यहाँ पे आदिवासी 30 थे, बाद में 8 जनवरी 2003 को कवर और कोल को मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार झारखंड में आदिवासियों की संख्या कुल 32 हो गई। उस 32 से मैंने बताया है कि उस 32 में 24 सबसे प्रमुख है, जबकि 8 आदिम है, बहुत ही नीचे हैं, वो बहुत ही अल्पसंख्यक के रूप में है, वो 8 आदिम जनजाति है। आपको जानना है छात्रगण कि 8 आदिम जनजाति कौन कौन है। जेपीएससी 6 का ही प्रश्न है कि इनमें से कौन आदिम जनजाति है या नहीं है। तो आपको जानना है कि असुर, बिरहोर, ब्रिजिया, कोरबा, परहिया, मालपहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये सबर, ये जो है झारखंड की 8 आदिम जनजाति है। हमने ये बताया है कि 32 जनजातियों में 5 सबसे प्रमुख है, जिसकी संख्या कम अधिक से कम की ओर है। सबसे अधिक संथाल हैं, फिर उराव हैं, फिर मुंडा है, फिर हो है, और 5वें नंबर की खरवार है। वही खरवार जिसे झारखंड की सबसे लड़ाकू जनजाति के रूप में जानी जाती है, जिसका मुख्य जमाव पलामू क्षेत्र में है। छात्रगण, हम इस 32 में से सबसे अंतिम जिक्र किए ब्रिजिया जनजाति का, और ब्रिजिया झारखंड की एक आदिम जनजाति है। आदिम की संख्या 8 है, उस 8 में इसका भी नंबर है, और ब्रिजिया को झारखंड की सदान समुदाय का एक आदिम जनजाति मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया है छात्रगण कि सदान का अर्थ क्या होता है। मैंने बताया है झारखंड के गैर जनजाति परंतु मूल निवासी जो यहीं बसे हुए हैं उसे ही सदान कहते हैं। और देखा जाए तो झारखंड में
सदान का प्रतिष्ठा लगभग 60% है। उसी सदान में से एक जनजाति जो है वो ब्रिजिया को आदिम जनजाति के रूप में रखी गई है, और ब्रिजिया का मुख्य जमाव विभिन्न क्षेत्रों में है, यद्यपि रांची, लोहरदगा, गुमला, संथाल परगना इत्यादि क्षेत्रों में भी पाई जाती है। छात्रगण, ये ब्रिजिया जो जनजाति है, इस ब्रिजिया जनजाति को बाहुबली या बाहुतुली के नाम से भी पुकारी जाती है। प्रश्न आएगा कि बाहुबली और बाहुतुली इनमें से किस जनजाति को पुकारी जाती है, तो उसका उत्तर होगा ब्रिजिया। बाहुबली का अर्थ होता है बाहुओं से तौलने वाला क्षत्रिय। ये ब्रिजिया जनजाति है, इस ब्रिजिया जनजाति में जो अलग अलग कल्चर है, इनके भी प्रमुख देवता अन्न की तरह सिंह बोंगा है, जिसे सूर्य का प्रतीक माना जाता है। इनका समाज दो वर्गों में विभक्त है, एक को सुंदरिया ब्रिजिया और एक को तेलिया ब्रिजिया कहते हैं। सिंदूरिया ब्रिजिया विवाह में सिंदूर का प्रयोग करते हैं, जबकि तेलिया ब्रिजिया विवाह में तेल का प्रयोग करते हैं। यद्यपि तेलिया के भी दो उपवर्ग हैं, दूध और रास ब्रिजिया। इसमें से दूध ब्रिजिया गाय का दूध पीते हैं परंतु मांस नहीं खाते हैं, जबकि रास ब्रिजिया गाय का दूध पीने के साथ साथ मांस का भी प्रयोग करते हैं। छात्रगण, मैंने बताया है कि ब्रिजिया अपने आप को पुंडरिक के नाग वंश का वंशज मानते हैं, परंतु कुछ विद्वान इन्हें असुर का भी पूर्वज या उसका वंशज माना जाता है। छात्रगण, इसे भुइया जनजाति का भी एक रिलेशन उसे स्थापित किया जाता है। तो छात्रगण, हमने देखा कि इनके जो प्रधान हैं, देहुरी कहलाता है, मुख्य देवता सिंह बोंगा है। तो छात्रगण, अभी हमने आज इस क्लास के माध्यम से झारखंड के 32 जनजातियों का जिक्र मैंने किया, और हमने देखा उस 32 का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कल्चर कैसा है, और हमने प्रयास किया कि उन 32 जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखाना, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे श्रेष्ठ पॉइंट्स है उसको मैंने आपके सामने लिखवाने का प्रयास किया। मैं समझता हूं अगर झारखंड के आदिवासी से प्रश्न, चाहे सामाजिक से, चाहे धार्मिक से, चाहे कल्चर से, किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दे सकेंगे। छात्रगण, हम नेक्स्ट क्लास में झारखंड आंदोलन से रिलेटेड, झारखंड राज्य के निर्माण का आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ और कैसे 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का अस्तित्व एक 28वें राज्य के रूप में आया, उसका जिक्र करेंगे। हम देखेंगे कि 1902-1905 से प्रारंभ हुआ आंदोलन 2015 नवंबर को अस्तित्व में आया, उसका समापन हुआ। हम ये भी देखेंगे कि इस दौरान कौन कौन संगठन बना, संस्थापक कौन था, अध्यक्ष कौन था, किसका क्या काम था, कौन कौन इस दौरान पॉलिटिकल दल हुए और कौन कौन पॉलिटिकल के अध्यक्ष हुए, उस पॉलिटिकल दल का क्या काम था, वो कहां तक झारखंड आंदोलन को आगे करने में सफल रहे, कब इसमें एक अवकाश का दौर आया और कब इसमें पुनः वो अवकाश का दौर था वो अवकाश समाप्त हुआ और पुनः आंदोलन जोर पकड़ा, जिसका समापन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ। छात्रगण, हम इस दौरान झारखंड आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को समझेंगे और देखेंगे कि इस आंदोलन में किसका कितना बड़ा रोल रहा। ओके, थैंक यू।